नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं, क्या कुछ वहां का नजारा है, चलिए आपको ले चलते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीयूष गोयल जो है कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद है, जहां पर बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस अभियान में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वच्छता अभियान का आगाज किया जा चुका है और यहां पर जो है हर तरह से सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं और स्वच्छता अभियान को करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि देश के जितने धर्म स्थल हैं, जितने लोकेशंस पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, कोई भी धर्म के, उन सभी का सौंदर्यीकरण करना, स्वच्छता मेंटेन करना और श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, इसको व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने का दायित्व सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में आता हूं दर्शन करने। और गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, आइए दिखाते हैं तस्वीरें। सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते गए, कहते हैं कि जब मेकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की तो उससे पहले उसने पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, पूरे देश के अंदर उसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सर्वत्र गया और उसके बाद उसने ब्रिटेन में वायसराय को पत्र लिख करके भेजा। उसने लिख के भेजा कि मैं भारत का भ्रमण किया हूं, भारत एक ऐसा देश है जहां की पंचायतें, जहां की संस्थाएं स्वयं भी
अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति आग्रही बना करके साक्षरता के 100% लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं। और भारत दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला है जिस देश में मैं कहीं भी गया, शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता, हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है और परस्पर यह विश्वास जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर निरक्षरता बढ़ी, लेकिन आजादी के बाद जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके कुछ परिणाम प्राप्त भी हुए, लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सकें, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके सीएसआर मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जहां पर तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, विकास के कार्यों को भी बताया और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। और सीधे चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय यात्रा पर है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि योगी आदित्यनाथ जो कि जनता को संबोधित कर रहे थे, और देखिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव भी है, और ऐसे में जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी देखिए लगातार पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, जहां भारत मलेशिया समझौता ज्ञापनों और प्रयास वक्तव्यों का आदान प्रदान हुआ। These are by way of exchange of memorandums of understanding, presentation of a report followed by press statement by our two leaders. First, we shall witness the exchange of MOU between Ministry of Labour and Employment, Government of India, and the Ministry of Human Resources, Government of Malaysia, on the recruitment, employment and repatriation of workers. This will be exchanged from the Malaysian side by Honourable Mr. Stephen Sim Chee Kyong, Minister of Human Resources, Malaysia, and on the Indian side by Dr. S. Jangshekar, External Affairs Minister. Ministers, please.
Thank you, ministers. We next have the exchange of MOU between the Ministry of Health, Government of Malaysia, and the Ministry of Ayush, Government of India, on cooperation in the field of Ayurveda and other traditional systems of medicine. On the Malaysian side, by Honorable Dato Seri Uthma Haji Muhammad Haji Hassan, Minister of Foreign Affairs, and on the Indian side by External Affairs Minister. Thank you, ministers. We next have the exchange of MOU between the Ministry of Digital Government of Malaysia and the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, on cooperation in the field of digital technologies. On the Malaysian side, may we request Honorable Dato Govind Singh Deo, Minister of Digital Malaysia, and from the Indian side, Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. We next have the exchange of program on cooperation between the Ministry of Culture, Government of India, and the Ministry of Tourism, Arts and Culture, Government of Malaysia, in the field of culture, art and heritage. On the Malaysian side, may we request Honorable Dato Sri Tiong King Singh, Minister for Tourism, Art and Culture, Malaysia, and from the Indian side, Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, ministers. We next have the exchange of MOU between the Ministry of Tourism, Art and Culture, Government of Malaysia, and the Ministry of Tourism, Government of Republic of India, on cooperation in the field of tourism. From the Malaysian side, may we request Honorable Dato Sri Tiong King Singh, Minister of Tourism, Art and Culture, Malaysia, and on the Indian side, Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister, please. We next have the exchange of MOU between the Ministry of Youth and Sports of Government of Malaysia and the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, on cooperation in youth and sports. From the Malaysian side, Honorable Dato Sri Uttam Haji Muhammad Haji Hassan, Minister for Foreign Affairs, and on the Indian side, Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister, please. Thank you, ministers. We now have the exchange of MOU between the Public Service Department, Government of Malaysia, and the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, on cooperation in the field of public administration and governance reforms. From the Malaysian side, Honorable Dato Sri Wan Ahmad Dalhan Haji Abdul Aziz, Director General of Public Service of Malaysia, and from the Indian side, Sri Jaideep Majumdar, Secretary East, Ministry of External Affairs. Thank you, Secretaries. We next have the exchange of MOU between the International Financial Center Service Authority and the Lauban Financial Service Authority in relation to mutual cooperation. On the Malaysian side, may we request Honorable Dato Wan Muhammad Fazmi Chewan Othan Fazilan, Chairman of LFSA, and on the Indian side, Sri B.N. Reddy, High Commissioner of India to Malaysia. Thank you, sir. We would now like to invite the co-chairs of the India-Malaysia CEO Forum to present the report of the 9th CEOs Forum to the two governments. May we request Sri Nikhil Meswani, Executive Director, Reliance Industries, Co-Chair, India-Malaysia CEO Forum, and Tan Sri Kuna Sitampalam, President, Malaysia-India Business Council, Co-Chair, India-Malaysia CEO Forum, to kindly join us in front of the dais. And to receive this report on behalf of the two governments, may I request from the Indian side, Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, and from the Malaysian side, Honorable Teku Datuk Seri Uttam Zafrul Teku Abdul Aziz, Minister of Investment, Trade and Industry of Malaysia.
Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Your Excellency Datu Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to give his remarks to the media. Pradhan Mantri Datu Sri Anwar Ibrahim, दोनों डेलीगेशंस के सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक दशक पूरा हो रहा है और पिछले दो सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई हैं। हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात की है। आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। भारतीय संगीत, खानपान और फेस्टिवल से लेकर मलेशिया में तोरण गेट तक हमारे लोगों ने इस मित्रता को संजोया है। पिछले वर्ष मलेशिया में हुआ पीआईओ डे एक बहुत सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम था, जब हमारे
नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई तो उस ऐतिहासिक क्षण का जोश मलेशिया में भी देखा गया। आज वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट संबंधी समझौते से भारत से वर्कर्स की भर्ती के साथ साथ उनके हितों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हमने वीजा प्रोसीडर्स को आसान बनाया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। अब आईटेक स्कॉलरशिप के अंतर्गत मलेशिया के लिए साइबर सुरक्षा और एआई जैसे अत्याधुनिक कोर्स के लिए 100 सीटें विशेष रूप से आवंटित की जाएगी। मलेशिया की यूनिवर्सिटी तुनकु अब्दुल रहमान उसमें एक आयुर्वेद चेयर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मलेया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इन सभी विशेष कदमों पर सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर का और उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत है कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता और भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आभारी हैं। आपकी इस यात्रा से आने वाले दशक के लिए हमारे संबंधों को एक नई दिशा मिली है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट हिज एक्सलेंसी दातोश्री अनवर इब्राहिम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच एक्सलेंसीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल विजिट एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द मलेशियन गवर्नमेंट, बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज मेरे दोस्ती, नॉट दैट इज प्राइम मिनिस्टर बट इज माई ब्रदर। And as I've said to him personally and to the colleagues, his friendship is sincere, not only when I'm Prime Minister, but when I was just nobody, he was very kind as a true friend. And that, of course, is most meaningful to me and my delegation and to the country. And that makes all our deliberations and discussions rather easy. We have agreed to enhance further and make it a comprehensive strategic partnership. Yes, Malaysia and India, from the days of Jawaharlal Nehru and Tunku Abdul Rahman, has established good relations. But we realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital investments and trade, construction and modern agriculture, education,
research in all fields, including military collaboration in terms of joint operations to safeguard our borders, and we look forward to that further enhanced relations. So may I think, firstly, thank you, Prime Minister, and the Indian government for the splendid hospitality accorded to us and the delegation, and more so to consider Malaysia a great and true friend. And I must give you this assurance that it is reciprocal, and we will reinvigorate this sort of working relations in all fields. We discussed, frankly, in the bilateral mission meetings and also in the private conversations, without or no holds barred, we discuss as true brothers on all issues, sensitive or likewise, because this is the true meaning of friendship. We have established understanding on a number of issues, and Prime Minister have kindly mentioned some of them. But I have said, as we have said in the meetings, we will extend this. I personally believe, and I have said this to Prime Minister Narendra Modi ji, that there are so many areas that we need to explore further. And it's unfortunate that in the last many years, this has not been that truly forthcoming. India is an important and great nation with a great history and great culture and civilization. It is in many ways multicultural and multireligious. And Malaysia, a much smaller country, but very proud of our civilization and cultures, and also multicultural, multiracial, and multireligious. And therefore, we have a lot of commonalities which extend beyond just trade investments, but also culture and cultural vibrancy, which is important to this country and also to Malaysia. But beyond that, we have initiated a lot of new programs, and we would hope that Indian companies with Malaysian companies collaborate further in all fields, including the new challenging areas like energy transition, digitalization, and also food security. And we did emphasize the need to use both our experience and expertise in the semiconductor area, which we are fortunate to be considered a hub in Southeast Asia, and India, of course, have excelled through your hard work and also your vision for this great country of India. And the rest on the issue of flights, visa, and other areas, as I've said, knowing Modi ji's style of work, he doesn't tolerate long delays, so we have put a time frame of 3 months to get our staff to be in action and report to us the progress, not report on the progress. And therefore, let me again thank you, Prime Minister Modi ji, and although my remarks are small, but please be assured that it covers multifaceted areas, from health to education to energy to digital, and we will prove that in a short span of time, Malaysia, India will emerge as two strong brotherly nations. Thank you. With this, we conclude the press statements. Ladies and gentlemen, please be seated as the dignitaries exit the room. और इस बुलेटिन में इतना ही. खबरों का सस्ता आगे भी जारी रहेगा. नमस्कार.